बड़ी खबर, हमास और इसराइल की जंग से जुड़ी हुई। नेतन्याहू ने एक बार फिर दो टूक बोल दिया कि वो युद्ध विराम नहीं करेंगे। उन्होंने अमेरिका का नाम लिए बिना इशारों में यह साफ कर दिया कि उनका ये संदेश दोस्तों और दुश्मनों दोनों के लिए है, क्योंकि वो जंग तब तक नहीं रोकेंगे जब तक जीत नहीं जाते। जबकि इससे पहले पिछले हफ्ते बाइडेन ने एक छोटे से युद्ध विराम का सुझाव दिया था। यही नहीं, खबर आई कि ब्लिंकन और नेतन्याहू की मुलाकात में भी ये मुद्दा उठा था, जिसमें नेतन्याहू ने युद्ध विराम से मना कर दिया था। हालांकि इसराइल के इन दावों पर हमास को जरा भी भरोसा नहीं। हमास ने आरोप लगाया कि सिर्फ इसराइल के मंत्री अमिखाई एलियाहू की मंशा ही गाजा पट्टी पर परमाणु बम गिराने की नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी यही चाहते हैं। मिटाने की आड़ में पूरी गाजा पट्टी को ही खत्म कर देना चाहते हैं। हमास का आरोप है कि इसराइल की सेना गाजा पट्टी में नरसंहार पर उतरी हुई, वो लगातार आसमान से बमों और मिसाइलों की बारिश कर रही है। हमास ने दावा किया कि इसराइल का मकसद गाजा पट्टी पर एक बार फिर कब्जा करने का, इसी वजह से इसराइल की सेना लगातार गाजा पट्टी को शमशान बनाने पर तुली हुई है। और उसका मकसद पूरे इलाके से फिलिस्तीन के लोगों का सफाया करना है। और तो और, हमास का आरोप है कि इसराइल को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि बम अस्पताल पर गिर रहे हैं या मस्जिद पर। इसराइल गाजा पट्टी में ऐसी जगहों को टारगेट कर रहा है जहां बड़ी संख्या में लोग जान बचाने के लिए छिपे हुए हैं, और उन्हें खत्म करने के लिए इसराइल की सेना हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ रही। उधर भीषण युद्ध के बीच इसराइल की सेना गाजा में हमास के ठिकानों को लगातार निशाना बना रही है। इसराइल लगातार हवाई हमले कर हमास के ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है। इस बीच इसराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर दनादन मिसाइलें दागी गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें इसराइल की सेना गाजा पर रॉकेट से हमले करते दिखाई दी, जिन्हें इसराइल की तरफ से गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए दागा गया था। इस दौरान पूरा आसमान चंद सेकंड में एक साथ कई धमाकों के बाद धुआं धुआं हो गया। वहीं इसराइल और हमास के बीच जारी जंग में गाजा में अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लाखों लोग बेघर हो गए हैं। लेकिन ये जंग अभी थमती दिखाई नहीं दे रही। इस बीच लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला ने दावा किया कि इसराइल की तरफ से किए गए एक हमले में लेबनान में 4 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 बच्चे शामिल हैं। इस हमले के बाद इस कट्टरपंथी संगठन ने इसराइल को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे दी और यह ऐलान किया कि जल्द ही इसराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हिजबुल्ला की तरफ से ये जानकारी दी गई कि दक्षिणी लेबनान के एक इलाके में इसराइल की तरफ से ताबड़तोड़ रॉकेट और मिसाइलें दागी गईं, जिसकी चपेट में वहां से गुजर रही एक कार आ गई, जिसमें सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 बच्चे शामिल, जबकि कार में सवार कुछ लोग बुरी तरह घायल हो गए। इसराइल के हमले के बाद लेबनान से कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें एक तस्वीर में कुछ लोग घायलों को अस्पताल ले जाने की कोशिश करते दिखे, जबकि एक दूसरी तस्वीर में रॉकेट हमले में तबाह हो चुकी कार से कुछ लोग उसमें फंसे लोगों को निकालने की कोशिश करते दिखाई दिए। माना जा रहा है कि इसराइल के हमले के बाद हिजबुल्ला बुरी तरह बौखला गया। उसने धमकी दी कि वो अपने नागरिकों पर हुए हमले का बदला इसराइल से जरूर लेगा,